सभ्यता को और अपना परंपरा को याद नहीं किया, मेंटेन नहीं किया, तो आप जितना भी मॉडर्न बन जाइए, आप जितना भी अमीर बन जाइए, आप आखिर में जब आपका आखिरी दिन आएगा तो आपको इसी हाँ में मरना है। और आपको पहले अपना इतिहास, अपना कल्चर, अपना आइडेंटिटी, उसको इज्जत करना चाहिए और सीखना चाहिए। ये बात मैं सिर्फ भाषण से नहीं बोल रहा हूं, आज आप लोग बुबागरा आयुक लोकथुम बोल रहे हैं। एक टाइम था कि बुबागरा का शब्द पूरे इंडिया में कोई जानता भी नहीं था। 5 साल में पूरा त्रिपुरा जान गया है कि त्रिपुरा में महाराजा का मतलब कॉकबरोक में बुबागरा है। थानसा का मतलब भी सब लोग समझ गए 5 साल के अंदर, क्योंकि हमने अपने ऊपर विश्वास किया, अपने आइडेंटिटी को हम नहीं भूले और हमने अपना एक फोकस रखा। क्षत्रिय समाज ने आज ये 10 पॉइंट का मेमोरेंडम दिया है। मैं इसमें सिर्फ 2 चीज बोलना चाहूंगा। सबसे पहले कि मैं चाहता हूं कि मूर्ति से पहले अगर हम लोग स्कॉलरशिप दे दे, स्कूल बना दे, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप त्रिपुरा के महाराजा को देखिए, त्रिपुरा के महाराजा ने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं बनाया। कहीं भी महाराजा वीर विक्रम ने अपना एक मूर्ति नहीं बनाया, राधा किशोर माणिक्य ने अभी कभी भी अपना एक मूर्ति नहीं बनाया, वीरेंद्र किशोर ने भी कभी नहीं किया, धन्य माणिक ने कभी नहीं किया, रत्नाफा ने कभी नहीं किया, जजारूफा ने कभी अपना मूर्ति नहीं बनाया, क्योंकि त्रिपुरा का महाराजा का वो कल्चर नहीं है। हम लोगों का बुकुंगबारा का ये कल्चर नहीं है कि हमारे नाम में मूर्ति बनाओ, हमारे नाम में रास्ता लगाओ, ये हम लोग का कल्चर में नहीं है। इसके लिए आप देखेंगे कि इतना राजा होने से भी एक राजा ने अपने नाम में कभी भी एक मूर्ति नहीं बनाया, ये हम लोग का कल्चर है। उससे ज़्यादा अच्छा है कि अगर मूर्ति बनाना है तो मैं अपने पैसे से कर लूँगा, लेकिन जो पब्लिक का पैसा है, जो पब्लिक का पैसा है वो स्कूल में जाना चाहिए, जो पब्लिक का पैसा है वो रास्ते में जाना चाहिए, जो पब्लिक का पैसा है वो स्कॉलरशिप में जाना चाहिए। अगर आप महाराजा को सच में आदर करते हो, तिपरासा को सच में आदर करते हो, तो अपना नेक्स्ट जनरेशन को उठाओ। नेक्स्ट जनरेशन को अगर अच्छा शिक्षा दिया, अपने इतिहास के बारे हमने एजुकेशन दिया, वो कोई भी मूर्ति से ज़्यादा बड़ा है। और अगर मूर्ति बनाना भी है तो ये मेरा काम है, पब्लिक के पैसे से नहीं होना चाहिए, अपने फंड से होना चाहिए, लेकिन ये गवर्नमेंट का रुपया जो टैक्स से आता है वो मूर्ति बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है। सेकेंड बात, आपने कहा कि वो उजैंता पैलेस के सामने सुजुसेन और खुदीराम बोस का मूर्ति को हटाने के लिए, मेरा ये सोचना है कि ठीक है कि वो वहाँ में नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर आज वहाँ में सुजुसेन और खुदीराम बोस का वहाँ में अगर एक मूर्ति है तो उसको नहीं हटा के महाराजा का एक और 2-3 मूर्ति लगाया जाए, किसी को हटाइए मत। ये बहुत खराब कल्चर है इंडिया में जो हम देख रहे हैं कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद, मस्जिद को तोड़ के मंदिर, चर्च को तोड़ के मंदिर, हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है। किसी को तोड़ने से, किसी का मूर्ति को तोड़ने से आप किसी को, अपने आप को इज्जत नहीं दे रहे, आप अलग से करो। ये जो नफरत का राजनीति है या पॉलिटिक्स है, इसको छोड़ो, आप बनाओ अच्छे तरीके से बनाओ, लेकिन किसी और का
इसमें खुदीराम बोस का और सुरजो सेन का क्या गलती था? जिसने बनाया उन्होंने अपने वजह से बनाया, उनको एक मैसेज देना था, उनको टिपरा साहब को नीचे दिखाना था, तो उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन उसमें खुदीराम बोस और सुरजो सेन का कुछ गलती नहीं। जिसने स्वामी विवेकानंद ग्राउंड अस्तबल से हटाकर बनाया, उनको अपना मैसेज देना था। मैं बोल रहा हूं कि वो है, रहने दो स्वामी विवेकानंद को, मैं भी बहुत इज्जत करता हूं। खुदीराम बोस और सुरजो सेन ने भी बहुत अपनी जगह में सेक्रीफाइस किया। आप नया बनाओ, एक और अच्छा आलीशान बनाओ, लेकिन किसी को बेइज्जत करके अपना इज्जत नहीं बढ़ता। ये बात मैंने शास्त्र में भी सीखा है, ये बात मैंने हर धर्म में, हर मजहब में, चर्च में सीखा है, मंदिर में सीखा है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में सीखा है, कुरान में भी सीखा है कि किसी का बेइज्जती करने से आपका इज्जत नहीं बढ़ता। आप अपना इज्जत, अपना सम्मान, आप लोग हानि बुसा है, आप लोग हानि बुसा है, आपको प्रमाण देने का कोई दरकार नहीं है कि ये जगह आपका है, ये राज्य आपका है, ये धरती आपका है। हम लोग को अगर अपने इतिहास को आगे ले जाना है तो सबसे पहले थानसा लाइए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहां में मैंने देखा है हौदा है, मैंने देखा अपना रूपिनी समाज है, मौलसम है, अपना रियांग कम्युनिटी से है, क्षत्रिय समाज है, नवातिया है, मुरा सिंह है, और भी अच्छा लगा जब मैंने यहां में कमल कोलोय और अपना वीरेंद्र को हाथ मिलाते हुए देखा। हस्मत भोजन के दिन आप लोग के बीच में क्या हो गया मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं वीरेंद्र बाबू को भी बहुत प्यार करता हूँ, कमल आपको भी मैं कॉक्टर से प्यार करता हूँ उस समय से, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे थानसा चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हम लोग का समाज आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उन्नति करें, मैं चाहता हूँ कि आपका नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि जब एक टिपरा साहब त्रिपुरा से बाहर जाए तो सब लोग सम्मान करें। जैसे आज जब नागा बाहर जाता है तो सब लोग बोलता आप नागालैंड से, जब एक मिजो बाहर जाता है तो सब लोग बोलता मिजोरम से, जब कोई मेघालय से बाहर जाता तो सब लोग बोलते कि आप मेघालय से है, अरुणाचल प्रदेश से। तो मैं भी चाहता हूं कि जब कोई टिपरा साहब त्रिपुरा से बाहर जाए तो कोई नहीं पूछे कि आप कहां से। मैं चाहता हूं कि आपको आपके राज्य में आपको एक सम्मान मिले, मैं उसके लिए थानसा चाहता हूं। मीडिया यहां में है, बहुत मीडिया लोग मुझे पसंद भी नहीं करते, मैं जानता हूं कि बहुत मीडिया लोग मुझे पसंद नहीं करते। बहुत लोग न्यूज़पेपर में लिखते हैं कि ये राज परिवार का सदस्य, ये महाराजा का बेटा, अपने आप को क्या समझता है, ये त्रिपुरा का क्या भला नहीं चाहता है, सब त्रिपुरा के बारे बात नहीं करता। आप लोग मीडिया भी एक बार सोच लो, मैंने आज तक किसी भी मां बाप को गाली नहीं दी है, कोई भी नेता का मां बाप को मैंने गाली नहीं दी, आज तक मैंने कोई भी नेता का पिताजी क्या करता था, मां क्या करता था, उसका दादा क्या करता था, मैंने आज तक प्रद्युत विक्रम माणिक्य बुबाग्रा ने आज तक किसी के परिवार का निंदा नहीं की। लेकिन हमेशा हमेशा मेरे ऊपर अटैक किया जाता है कि वीर विक्रम ने क्या किया, वीरेंद्र किशोर ने क्या किया, विभू कुमारी देवी ने क्या किया, किरट विक्रम किशोर ने क्या किया। मैंने एप्लीकेशन नहीं भेजा था कि मैं राज परिवार में पैदा हूं, मैंने एप्लीकेशन नहीं भेजा था, मैं वहां में पैदा हुआ हूं। आप मेरा काम देखकर मुझे जज कीजिए, मैंने आपके बाप दादा को देखकर मैंने आपके ऊपर कभी भी कमेंट नहीं किया। लेकिन दुख लगता है जब अपने ही राज्य में मेरे परिवार को अटैक किया जाता है, जिसमें मैंने आज तक वीर विक्रम को देखा नहीं। वीर विक्रम 1947 में उनका देहांत हुआ, मैं 40 साल बाद पैदा हुआ, लेकिन आज भी मुझे सुनाई दिया जाता है कि वीर विक्रम ने, ये वीर विक्रम का नाती। मैं आपको और एक बात बोलना चाहता हूं, हर चीज में सरकार ने
त्रिपुरा में राजा महाराजा को गाली देकर अपना राजनीति की, अच्छा बात नहीं। आज अगर सिलेंडर, गैस सिलेंडर का दाम 1,000 रुपया है, तो क्या उसमें महाराजा वीर विक्रम का गलती है? आज अगर अगरतला में पेट्रोल का दाम 100 से ऊपर हो गया है, स्कूल में शिक्षा नहीं है, तो क्या नीर महल का गलती है कि महाराजा वीर विक्रम ने 1930 में नीर महल क्यों बनाया था? अब हर चीज, ये एक नया सिस्टम शुरू हुआ है कि मुगल था इसके लिए हिंदुस्तान गरीब है, अंग्रेज था तो हिंदुस्तान गरीब है। अंग्रेज छोड़ के चला गया, 73 ईयर्स हो गया है, 75 साल हो गया है अंग्रेज छोड़ के, मुगल खत्म होकर 200 साल होने वाला है, 180 साल हो गया। औरंगजेब को अभी भी आप ब्लेम करते हो हर चीज के लिए। ताजमहल नहीं होता तो आज हमारे घर में बिजली होता, और यही चीज अगरतला में उजेंता पैलेस नहीं होता तो तिप्रासा के घर में स्कूल होता। आप 70-75 साल से आपके पास पावर है, शासन है। तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये पॉलिटिक्स में इतना गंदगी क्यों है? हर लोग, हर दिन कोई ना कोई नेता पब्लिसिटी में आने के लिए उल्टा सीधा बोलते रहता है। त्रिपुरा का भला किसको चाहिए? कोई बोलता है सबका साथ सबका विकास, कोई बोलता है लाल सलाम, लेकिन सच बात क्या है? आज तक हमने अपना, यहां में जो एक लिस्ट है, हम लोग का जो ट्रेडिशनल ओकरा है, हौदा है, चांताए है, कास्काओ है, क्षत्रिय समाज है, तोताराम मूरा सिंह है, कभी भी समाजपति को हम लोग ने कभी आदर दिया? ये आदर हमने समाजपति से हटाया और एमडीसी एमएलए को दे दिया, कोई क्लब का प्रेसिडेंट को दे दिया, कोई पॉलिटिकल जनरल सेक्रेटरी को दे दिया, कोई कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। ऐसा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। आज कोई भी बाहर से आता है तो मां त्रिपुरा सुंदरी आपको भला रखे, ये हमेशा स्टेटमेंट आता है ट्विटर में।